नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज। खबर नालंदा से है। नालंदा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हत्या के इरादे से आए अधेड़ की ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। गौरतलब है कि सोहसराय थाना क्षेत्र इलाके के आशा नगर मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब अचानक एक अधेड़ हाथों में पिस्टल लेकर युवक के घर हत्या के इरादे से घुसकर हत्या करने का प्रयास किया। अधेड़ को हथियार के साथ देख आसपास के ग्रामीणों ने अधेड़ को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। वहीं घटना के संबंध में युवक कुंदन कुमार ने क्या कुछ बताया, देखें इस रिपोर्ट में। लग गया था, पूरा नदी पर आया था हमको खोजते हुए, कुंदन कुमार कहाँ है। हाँ। इसके पास से एक देसी कट्टा, 5 को जिंदा कारतूस बरामद हुआ। तो क्या कोई विवाद हुआ था, कहाँ लग गया था ये? जी हाँ, 23 दिसंबर 2020 को मेरे मोटेरे भाई का मर्डर हो गया था। उसी के संबंध में ये समझौता करने के उद्देश्य आया था और मुझे खोजते हुए आया था कि कुंदन कुमार कहाँ है। तो पकड़ा गया क्या वो? जी हाँ, पकड़ा गया है। तो क्या क्या बरामद हुआ है? उसके पास से एक देसी कट्टा था, 5 को जिंदा कारतूस बरामद हुआ। क्या नाम हुआ आपका? और वो बता रहा है कि हमको सहदेव साहब भेजा है और उसी के इशारे पर हम काम कर रहे हैं, वही सुपारी दिया था। ओ, सही, पकड़ा गया है। हाँ, पकड़ा गया है, सुपारी उठाया था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार है। उनका नाम? उनका नाम अभी जैसे एक सुबह आया, मतलब कुंदन को खोजने के लिए एक आदमी कि घर कुंदन कहाँ है, तो बोला कि क्या बात है, तो पीले था और उसके पास मतलब कि आओ इधर इधर आओ, इधर बुलाने के दरमियान में वो मतलब पिस्टल लिए हुए था। हाँ। और गोली इसको भी मार देता एक भाई लगी। अरे एक भाई के, इसका मसेरा भाई के हत्या किया था 2019 में लगभग। अच्छा, समझे, यही गवाह है, इसी की वजह से इसको खोजने के लिए आया था। तो यहाँ पर पुलवा पर ढेर सा आदमी था, तो पकड़ाया, तो समझिए कि इसके पास पिस्तौल पकड़ा, ढेर सा बुतरू था यहाँ पर बैठा, लोग पकड़ा, पिटाई था। हाँ, जिस मैंने पब्लिक मारा है आपकी। क्या नाम आपका? ऐसे जो मैं सोहसराय को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति वहाँ हथियार के साथ वहाँ के पब्लिक के द्वारा पकड़कर डिटेन किया गया है, त्वरित घटनास्थल पर SHO के द्वारा पहुंचकर उसे सुरक्षित लाया गया है और उसका इलाज कराया जा रहा है। उसके पास से हथियार और गोली भी बरामद हुई है, जैसा कि वहाँ के परिजन के, वहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं, उन लोगों ने पुलिस को सुपुर्द किया है। पिटाई की बात सामने आ रही है, हम लोग जाँच कर रहे हैं, तत्काल उसका मेडिकल हम लोग करवा रहे हैं, सारे बिंदुओं पर गहराई से जाँच।